13 मार्च को दुनिया भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड किडनी डे। क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाए जाने वाले इस दिन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर संजय के अग्रवाल। डॉक्टर संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस दिन की क्या अहमियत है, खासतौर पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, किडनी डिजीज, पर्टिकुलरली क्रोनिक किडनी डिजीज, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसीलिए पब्लिक को अवेयर करने के लिए, पब्लिक है, पॉलिसी मेकर हैं या डॉक्टर्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए ये मुहिम 2006 से शुरू हुई थी और ये हर थर्सडे मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें जो लोग किडनी डिजीज पेशेंट को की केयर करते हैं, उनका मकसद ये है कि किडनी डिजीज़ के बारे में जनरल पब्लिक और लोगों को अवेयरनेस हो ताकि उसका बचाव कराया जा सके। जी, एक सबसे बड़ी बात आती है कि एक स्वस्थ किडनी कितनी ज़रूरी है हमारे शरीर में, क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके। देखिए, किडनी डिजीज़ यूरिन बनाती है और बॉडी को क्लीन करती है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन जो नहीं मालूम है कि जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन का मेंटेन होता है वो किडनी की वजह से होता है। लोगों की भावना ये है कि शायद हार्ट से ब्लड प्रेशर का लिंक है, तो बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए हार्ट का फंक्शन ज़रूरी है, बट हार्ट इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर से, बट नॉर्मल किडनी का फंक्शन ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। तो एक तो ये यूरिन बनाने के अलावा ब्लड प्रेशर नॉर्मल मेंटेन रखता है, दूसरा जो बॉडी में हीमोग्लोबिन जिसको हम लोग मेज़र करते हैं वो नॉर्मल स्वस्थ आदमी के लिए जितना ज़रूरी है वो भी किडनी की फंक्शन है जी। तीसरा जो बोन्स बॉडी में स्ट्रेंथ होती है वो बोन्स की नॉर्मल स्ट्रेंथ के लिए भी किडनी का फंक्शन ज़रूरी है। तो ये यूरिन बनाने के अलावा ये तीन फंक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि किडनी करती है, जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पता भी नहीं होता इस बारे में, उनको मालूम नहीं होता है कि ये किडनी, मतलब एक ब्लड प्रेशर की अगर धारणा लें वो एक बड़ी मेजर धारणा है कि लोग ब्लड प्रेशर को हार्ट से जोड़ते हैं और किडनी से नहीं जोड़ते, जबकि रियलिटी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए किडनी का नॉर्मल होना जरूरी है। सर, इस बार की थीम जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एंड एजिंग की, तो ये थीम इस दिन के लिए क्या अहमियत रखती है, आखिर ये बीमारी क्या है, किस तरह से फैलती है। देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को हम लोग पहले क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते थे, बट ये टर्म चेंज हुआ क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में किडनी डैमेज हो सकती है फिर भी किडनी का फंक्शन हो सकता है नॉर्मल अभी हो, तो जो हम लोग नॉर्मल टेस्ट करते हैं किडनी के फंक्शन के वो नॉर्मल होते हुए भी किडनी डिजीज़ हो सकती है, तो इसीलिए एक तो ये टर्म चेंज हुआ कि क्रॉनिक रीनल फेलियर से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में चेंज किया। और उसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो रहा है आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड, और बिकॉज किडनी फेलियर होने पे ऑलमोस्ट बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो इफेक्ट नहीं होता है, और अगर एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की डायग्नोसिस सही है तो इसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते, ये हमेशा उस पेशेंट के लिए रेस्ट ऑफ द लाइफ वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट रहेगा और उसको ट्रीटमेंट पूरी लाइफ लेना पड़ेगा। तो असल में हम कितने खतरे में, अगर भारत में देखें तो इसका प्रिवलेंस रेट कितना है। देखिए, भारत में ऐसी मतलब कुछ स्टडीज़ हुई हैं, बट ओवरऑल हम लोग कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए ये एस्टिमेट करते हैं कि 10% एडल्ट पॉपुलेशन भारत में को कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की भी अपनी स्टेजेज होती हैं, माइल्ड से लेके बहुत एडवांस, तो अगर हम सारी स्टेजेज मिला लें तो अप्रॉक्सीमेटली 10% एडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ हैविंग सम डिग्री ऑफ ए क्रॉनिक किडनी डिजीज़, यानी हर 10 में से एक जो है। तो हम लोग यही कहते हैं कि अगर किसी ऑडियंस में हम लोग पब्लिक को समझा रहे हैं तो हम यही कहते हैं कि अगर यहाँ 100 लोग बैठे हैं तो उनमें से 10 को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होगी और उस 10 में से शायद 7 या 8 को मालूम भी नहीं होगा कि उनको ऐसा कुछ है जब तक लेटर स्टेजेस में ही ना पहुंचे। तो ऐसे में हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन है, क्या बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा होता है। हाँ, बुजुर्गों को भी एक हम लोग कहते हैं जो एल्डरली हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एवरेज 60 ईयर लेते हैं, अगर 60 ईयर से ज़्यादा उम्र है तो वो रिस्क पे है। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हर 60 ईयर से ऊपर वाले को किडनी डिजीज ही है, बट वो एक रिस्क ग्रुप है और उसको हमें ये माइंड में रख के इन्वेस्टिगेशन रेगुलर इंटरवल पे करना चाहिए कि ये हाई रिस्क ग्रुप है। अदर देन ये एज, जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जितने भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है या उनकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेशन को अगर किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, ये 4-5 हाई रिस्क ग्रुप हैं जिनको रिस्क ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत होता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारा शरीर की उम्र बढ़ती जाती है वैसे किडनी की भी बढ़ती जाती है, इसलिए बुज़ुर्गों में भी ये खतरा सबसे ज़्यादा। उस बुज़ुर्गों में एक तो ये रिस्क है कि
हम लोग कहते हैं एवरेज अगर 40 साल के ऊपर हर साल अगर एक किडनी का फंक्शन होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, वो ऑन एन एवरेज 100 होती है। तो हम लोग कहते हैं 40 साल के बाद हर 10 साल पे 10 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है। तो अगर 60 ईयर का नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसकी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 100 ना हो के 80 होगी, और 80 पे तो हम नॉर्मली किडनी डिजीज बोलने लगते हैं अगर 100 अगर किसी की GFR 80 है। तो इसलिए मानते हैं कि एक तो ये एजिंग किडनी भी एज करती है तो वो रिस्क फैक्टर है कि उतना सपोर्ट किडनी नॉर्मल बॉडी को नहीं कर पाएगी, प्लस कुछ और कारण होते हैं जो एज में ज़्यादा होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर एल्डरली में ज़्यादा होता है, कुछ बीमारियाँ हैं जैसे प्रोस्टेट है और बीमारियाँ हैं वो इन लोगों में ज़्यादा होती। तो ओवरऑल एल्डरली पर्सन इज ए हाई रिस्क फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज। आपने कहा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कई स्टेजेस हैं, तो अगर ये 5 स्टेजेस हैं तो क्या हर स्टेज में मरीज़ की पहचान आसानी से हो सकती है या फिर थोड़ा रिस्क? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर स्टेज 1, 2 और 3 में नंबर ऑफ पर्सन अगर हम लोग 100 लें टोटल क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, तो स्टेज 1 और 2 और 3 मिला के शायद 60% या 70% लोग होंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, और इन लोगों को कोई सिम्टम भी ज़रूरी नहीं कि सिम्टम हो, ये भी हो सकता है कुछ भी सिम्टम नहीं हो जी। तो इन लोगों की पहचान तभी हो सकती है जब हम इनके में टेस्ट करें जानने के लिए कि हाँ इनको कोई किडनी प्रॉब्लम है या नहीं। अगर हम सिम्टम का वेट करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो हम शायद स्टेज 4 में या स्टेज 3 में पहली बार डायग्नोज कर पाएंगे, जबकि किडनी करीब 70% से 75% ऑलरेडी डैमेज हो चुकी हो जी। तो उस स्टेज में डायग्नोज करने का मतलब ये है कि हमने ऑलरेडी अच्छा खासा लेट कर दिया है, और तब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा शायद बहुत ज़्यादा पेशेंट को बेनिफिट नहीं कर। तो समय पर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप हैं जिसमें चांस ऑफ, अब ये एक एक्सट्रीम ये हो सकता है कि हम होल पॉपुलेशन को स्क्रीन कर लें, वो इंडियन सर्कमस्टांसेज इज नॉट ए प्रैक्टिकल थिंग कंसीडरिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हाई रिस्क ग्रुप है इसका वंस इन ए ईयर हमें रेगुलर टेस्टिंग करनी चाहिए। अब वो कौन से टेस्ट होते हैं? वो टेस्ट हम लोग बहुत सिंपल है, यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट होता है जो कि मतलब अगर आप मार्केट में देखें तो कुछ डिपिस्टिक आती है, वो पर्सन घर में भी अपने आप कर सकता है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव आ जाता है जी। तो अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, अगर वो खुद कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव आता है देन दे कैन गो टू द डॉक्टर। इसके साथ एक किडनी फंक्शन टेस्ट होता है जिसको सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं। तो अगर हम बहुत सोफिस्टिकेटेड टेस्ट नहीं करें, खाली ये यूरिन में प्रोटीन और ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं, ब्लड शुगर कर रहे हैं, यूरिन में प्रोटीन है और सीरम क्रिएटिनिन, अगर ये 4 टेस्ट कर रहे हैं, इससे हम करीब 60-70% पेशेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की डायग्नोसिस आराम से कर सकते हैं। लेकिन सर शायद आयरनी ये है कि लोग शुरू की स्टेजेस में पहुंच ही नहीं पाते हैं, ये टेस्ट कराते ही नहीं है, और लेटेस्ट स्टेजेस में ये पता चल रहा होता है, तो ऐसे में वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आते हैं अगली स्टेजेस में जाके? हम पहले ये कहना चाहेंगे एक्चुअली वर्ल्ड किडनी डे का यही पर्पज है जी, कि आप उस स्टेज को वेट नहीं करें जबकि आपको सिम्टम हो। तो जो लोग रिस्क में हैं उनको रेगुलर, अगर सिम्टम नहीं भी हैं तब भी वो टेस्ट रेगुलर हर साल के इंटरवल। और आपने बताया बहुत सस्ते टेस्ट हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी टेस्ट है, ऐसी शायद कोई भी लेबोरेटरी नहीं होगी जहाँ पे ये टेस्ट नहीं हो सकते, ये इतने सिंपल और सस्ते टेस्ट जी। और किस तरह के सिम्टम्स आते हैं आगे जाकर जिससे लोगों को आगाह रहना चाहिए? देखिए अगर हम सिम्टम देखें कि किडनी फेल हो जाती है तो हमें उससे लेना चाहिए कि अच्छा नॉर्मल किडनी का फंक्शन क्या है जी। तो जैसे नॉर्मल किडनी ब्लड में सॉल्ट और फ्लूड को कंट्रोल करती है, ये यूरिन बनाती है तो उसको निकालती है, तो किडनी फेल कर जाती है तो हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, किडनी फेल करती है तो ब्लड प्रेशर होने लगता है पेशेंट को, हाथ पैर में सूजन आती है, ब्लड प्रेशर होता है उसको, चूँकि हीमोग्लोबिन नहीं नॉर्मल बन पाता तो उसको जो हम लोग एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी, वो होने लगती है, और एनीमिया के सिम्टम सारे आने लगते हैं, वीकनेस होने लगती है, वो एफर्ट उसका कम हो जाता है, जल्दी थक जाता है काम करने पे, बोन वीक हो जाती है तो बोन्स में पेन होने लगते हैं, या छोटी मोटी चोट लगे उससे फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये पैर में सूजन आना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, खून की कमी होना, माइनर इंजरी से बोन का फ्रैक्चर होना, इसके अलावा इन लोगों को रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत हो जाता है, तो इनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगते हैं जी। तो ये अगर 5-6 सिम्टम हम लें, और इसके अलावा यूरिन करने में अगर कोई प्रॉब्लम है वो अपने आप में सिम्टम इंडिकेट करता है कि हाँ यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उसको यूरिन में ब्लड आ रहा है या यूरिन करने में पेन होता है या उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है या बहुत कम बार जाना पड़ता है, तो एनी चेंज इन यूरिन हैबिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू किडनी, तो वो तो एक सिम्टम है ये इन सिम्टम के अलावा।
अच्छा, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि देश में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? असल में जितनी बीमारी है क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिस लेवल पे फैली हुई है? देखिए, हम लोग सारी किडनी डिजीज़ को, अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को लें तो करीब 10% है, जैसा हम लोगों ने बात करी जी। बट अगर एक्सट्रीम एज वाले को लें तो हम जो स्टेज 5 बोलते हैं, जिसमें मेडिसिन कंट्रोल नहीं कर पाती पेशेंट को, और इस स्टेज पर हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो अगर हम खाली स्टेज 5 लें तो इंडिया में इन एनी ईयर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 lakhs लोगों को लाइफ लॉन्ग डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। और अगर उसको देखते हुए अगर आप ये देखें कि हम कितना कर रहे हैं, तो इंडिया में इस समय करीब 6,000 ट्रांसप्लांट इन ए ईयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू 4 lakhs व्हाट वी नीड। बहुत बड़ा गैप है डिमांड से। बहुत बड़ा गैप इन टर्म्स ऑफ ए डायलिसिस, शायद 30,000 to 40,000 लोगों को डायलिसिस शुरू कर पाते हैं जी। और बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से इसके कुछ 20-30% लोग डायलिसिस के, जिनको हम शुरू करते हैं, लाइफ लॉन्ग डायलिसिस ले पाते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग कहते यही हैं कि जितने लोगों को ज़रूरत है, नॉट मोर देन 5 to 10% से ज़्यादा को हम डेफिनेट ट्रीटमेंट में सपोर्ट आजकल इंडिया नहीं कर सकती, इतना ही कर पाते हैं। तो 90% लोग विदाउट एनी डेफिनेट ट्रीटमेंट पाए हुए दे लूज देयर लाइफ एट सम स्टेज ऑन फॉलो। मतलब बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक बीमारी की तौर से सोसाइटी में फैली हुई है, जिसका हम लोग अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर हम मुहैया भी नहीं करा पा रहे हैं। तो और खर्च कितना है इस पूरे में, अगर जिन मरीजों तक सुविधा पहुंच पाती है उनको कितना खर्च करना पड़ता है? अगर कोई भी आदमी अगर रेगुलर डायलिसिस करा रहा है, वो चाहे पेट वाली डायलिसिस हो जिसको हम लोग CAPD बोलते हैं जी, या हीमोडायलिसिस जो ब्लड डायलिसिस हॉस्पिटल में होती है, इसके साथ जो दवा होती है, सबको मिला के करीब 30,000 के आसपास पर मंथ खर्चा होता है फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। और इन टर्म्स ऑफ ए ट्रांसप्लांट इससे चीपर है डेफिनेट, और ट्रांसप्लांट में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप बेटर है कि आप ट्रांसप्लांट कराइए रादर देन लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पर रुकिए। बट ट्रांसप्लांट के लिए मेजर इशू आता है कि कौन किडनी देगा जी। फैमिली आजकल न्यूक्लियर होने लगी है, पेशेंट के पेरेंट्स एल्डरली होते हैं, दे मे नॉट बी फिट फॉर गिविंग डोनेशन। छोटे बच्चों से हम ले नहीं सकते, ही हैज टू बी मेजर। क्या नियम क्या कहते हैं लाइफ किडनी डोनेशन के, कौन कौन दे? किडनी डोनेशन में ये है कि पर्सन हैज टू बी मेजर जी, एंड इट शुड बी वॉलंटरली। सबसे मेजर बात ये है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए फैमिली साइड से या सोसाइटी या किसी भी साइड से, वो अपने आप देना चाह रहा है। इट शुड बी मेजर। अपर एज के लिए हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70 अपर एज लेते हैं, उससे ऊपर वालों की, जैसा हम लोगों ने बात करी किडनी की एजिंग होती है, तो अगर 70 साल से ऊपर वाले के हम ले रहे हैं जी, तो वो ऑलरेडी उसकी किडनी इस स्टेज में होंगी कि वो एक दे के अपनी लाइफ आगे नहीं कर सकता। और इस ये तो मेजर इशू है, ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, ऑल्दो आजकल अक्रॉस ब्लड ग्रुप भी ट्रांसप्लांट होते हैं, बट मेडिकली फिट होना चाहिए। सो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, उस सबको मिला के फैमिली में, बहुत कम लोगों की फैमिली में एक मेडिकली फिट लिविंग डोनर अवेलेबल हो पाता है। इसीलिए लोग एक्सीडेंट वाले केसेस और कैडवर ट्रांसप्लांट पे डिपेंड करना चाहते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है। वी स्टिल नीड टू मच प्रोग्रेस ऑन कैडवर ट्रांसप्लांट। सर, जो अलग अलग स्टेज होती हैं, आप 5 stages हैं, क्या इनमें हर एक स्टेज में इलाज के बाद जो मरीज है वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? हाँ, इसके साथ ये अच्छा ही है अगर वो अफोर्ड कर सकता है, और जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इफ़ ही इज एबल टू गेट दोज ट्रीटमेंट, देन ही ऑलमोस्ट कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। वो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि वो नहीं कर पाएगा, बट वही है, इसमें बहुत सा, इसमें भी इफ़ एंड बट है कि इफ़ ही कैन अफोर्ड दैट मच कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इफ़ ही इज अवेयर एंड टेक दोज मेडिसिन रेगुलरली, बट देन इफ ही डज दिस देन ही कैन डू ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल। लेकिन आपने बताया कि किस तरह से किडनी डैमेज होती है, तो उसका रिवर्स प्रोसेस कहीं नहीं है, तो जो डैमेज हो चुका है उसकी भरपाई हो पाती है क्या इलाज के बाद, फिर भी हम नॉर्मल जिंदगी मरीज की सोच सकते हैं? जैसा आपने बताया, अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज की डायग्नोसिस सही है जी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बड़े कैजुअली लेबल कर देते हैं कि पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उसको होती नहीं, लेकिन अगर डायग्नोसिस सही है तो देन पर्सन एज फार एज डिजीज इज कंसर्न कैन नेवर बी नॉर्मल जी। उसको ये डायग्नोसिस फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बनी रहेगी। जो किडनी डैमेज हो जाती है वो वापस किसी भी ट्रीटमेंट से या किसी भी ऑपरेशन से उसको वापस नहीं लाया जा सकता, इसीलिए हम लोग कहते हैं इट्स बेटर टू प्रिवेंट इट रादर देन डायग्नोज एट ए लेटर स्टेज।
से इस खास दिन पे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस अवेयरनेस की, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें इस गंभीरता को कि कितनी बड़ी बीमारी है अगर हम बाकी बीमारियों से कंपेयर करें तो। आम तौर पे यही माना जाता है कि हार्ट स्ट्रोक या फिर किडनी या फिर कार्डियक अरेस्ट यही सबसे बड़ा इंडिया में मौत की वजह होती है। क्या ऐसा सही है या लगता है कि किडनी की जितनी बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं सबसे? आजकल कॉमन ग्रुप ऑफ डिजीजेज बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एज कम्पेयर टू कम्युनिकेबल डिजीज, और WHO और ऑल ओवर वर्ल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज ए कॉज ऑफ डेथ बढ़ता जा रहा है। वी आर हैविंग ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड इन टर्म्स ऑफ ए कम्युनिकेबल डिजीज विच इंक्लूड इन्फेक्शंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। सो इवन WHO एंड मेनी अदर वर्ल्ड मेडिकल बॉडीज आर स्ट्रेसिंग ऑन नॉन कम्युनिटी भी, एंड इफ यू इंक्लूड नॉन कम्युनिटी डिजीज तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज, दीज आर मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बट इवन वर्ल्ड WHO ऑल्सो इंडिया ऑल्सो दे हैव गॉट हेजिटेंसी इन इंक्लूडिंग क्रॉनिक किडनी डिजीज एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देर इज ए सम पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक इट इक्वली सीरियसली एज कम्पेयर टू अदर। But if you see number of patients of these various non-communicable diseases, then chronic kidney disease number of patients are far more than stroke, far more than cardiovascular disease, and even in terms of absolute number more than the diabetes also. और खर्च भी ज़्यादा है इलाज का अगर देखें। And individual average patient का अगर treatment हम diabetes या stroke या heart disease कर लें तो chronic kidney disease के patient की cost of treatment is probably 5 times or 10 times more than the average patient of heart disease. So not that it is more common, it is more costly in terms of a treatment. Mm-hmm. It cannot be cured. It will always progress with time. मतलब जो damage हो गया वो हो गया, उसका कोई वापस नहीं आ सकता। किसी चीज से नहीं आ सकता। So the best approach is कि we should diagnose it early and will prevent so that it remains at a milder stage and does not progress to advanced stage. सर इस खास दिन पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जिस तरह की लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, एकदम भागते हुए हम लोग एकदम मेट्रोज में रहते हैं, जहाँ पे भी है जो जहाँ पे है वो भाग रहा है अपनी ज़िंदगी में इस समय, तो ऐसी स्थिति में हम वो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अचीव करें जिससे इस तरह से इन बीमारियों से बच सकें, किडनी को हेल्दी रख सकें, ओवरऑल खुद हेल्दी रह सकें? देखिए ये बात सही है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ ए वेरी हाई रिस्क फैक्टर फॉर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चाहे वो डायबिटीज़ लें, चाहे हाई ब्लड प्रेशर लें, चाहे किडनी डिजीज स्ट्रोक। सो एक तो ये है कि ऑल्दो कहना इजी है कि स्ट्रेस नहीं करो, बट एज फार एज पॉसिबल एज यू कैन एडजस्ट योर लाइफ विदाउट रशिंग फॉर थिंग विच इज़ अनलाइकली टू हेल्प, वो चीज़ करें। प्लस जो डाइट में चेंजेज हैं विच कंट्रोल दीज डिजीजेज इन टर्म्स ऑफ ए लो फैट एंड लो सॉल्ट, सो दैट हाई ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड उनका इफेक्ट किडनी पे कम रहे। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वन फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कैन ईजिली बी डन, बट प्रॉबली वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए रेगुलर एक्सरसाइज। शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियाँ हमें देने के लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए इस साइलेंट किलर के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि किडनी की ये डिजीज़ किस तरह से ये साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिट और एक्टिव रहें, अपने वज़न पर नियंत्रण रखें, ब्लड शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, और हाँ पानी खूब पिएं। शुचिता चतुर्वेदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली।